तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने सीधी लेस को चाइनीज कॉलर पे अटैच करके इसको बिल्कुल नया लुक दिया है। तो इसकी फुल जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की इस वीडियो में हम कॉलर कुर्ती डिजाइन की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ये हमारी फोल्डेड साइड, अब हम इसकी लेंथ की मेजरमेंट करेंगे। 32 इंच हमने इसकी लेंथ ली है। इसके नीचे हम 10 इंच की फ्रिल लगाएंगे और 22 इंच की इसकी चौड़ाई है, मतलब कि 44 का पन्ना है। तो आप सबसे पहले शोल्डर की मेजरमेंट करेंगे। तो 7.5 इंच पे हमने शोल्डर की विथ रखी है और 3.5 इंच नेक की विथ रखी है और 1.25 इंच इसको स्लोप करेंगे, क्योंकि हम चाइनीज़ कॉलर बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम शोल्डर को 1/2 इंच चौड़ा रखेंगे और 7 इंच आर्म होल लेंथ रखेंगे। अब चेस्ट की विथ रखेंगे 10 इंच पे। 10 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए मार्जिन रखेंगे और इसको हल्का सा राउंड शेप कर लेते हैं। और फिर 7 इंच वेस्ट लेंथ लेंगे यहाँ से और 9 इंच वेस्ट की विथ रखेंगे प्लस 1 इंच स्टिचिंग के लिए मार्जिन रखते हुए इस तरह से क्रॉस लाइन करेंगे। और यहाँ से 32 इंच, मतलब 32 इंच पर मार्क करेंगे और इस वाली स्केल से इस तरह से क्रॉस मार्किंग कर लेंगे। और अब इंच टेप को शोल्डर के पास से रखते हुए यहाँ पर 32 इंच पे मार्क करेंगे 32 इंच पे, क्योंकि हमारी लेंथ 32 इंच है। अब यहाँ से हल्का सा राउंड शेप करेंगे। अब हम अपनी कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट वाले आर्म होल पे 1/2 इंच डीप राउंड शेप करेंगे। पहले फ्रंट पैनल को हटाएंगे और बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो 1/2 इंच यहाँ पे मार्क करेंगे, हल्का सा इस तरह से राउंड शेप करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये रहा हमारा फ्रंट पैनल। तो फ्रंट पैनल के आर्म होल को डीप कटिंग करेंगे। अब बैक पैनल को साइड करेंगे और फ्रंट पैनल को फिर से अच्छी तरह से फैला लेंगे। हम कॉलर कुर्ती बनाने के बाद उस पर लेस से डिज़ाइन करेंगे। तो 3.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे डीप शेप में और हल्का सा राउंड शेप कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट नेक हो गया। हमने 3.5 इंच डीप रखी है इसकी। और इस तरह का पेस्टिंग पेपर लेंगे, लगभग 4 से 5 इंच चौड़ा है और 14 इंच लंबा है। अब हम फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो बीच से इस तरह से पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो हमारा सेंटर है, जो क्रीज बनी है उस पर इस तरह से लाइन बना लेंगे, फ्रंट में भी और बैक में भी। अब ये रहा हमारा पेस्टिंग पेपर, आप देख सकते हैं ये 16 इंच लंबा है। और अब बीच से यहाँ से हम 1/2 इंच पर मार्क करेंगे। ये डबल है, फोल्डेड है, तो 4.5 इंच पर एक लंबाई में मार्क करेंगे और इस तरह से क्रॉस मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से 1-1 इंच पे मार्क करना स्टार्ट करेंगे और जो हमने लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से भी 1 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। अब इस तरह से सभी निशानों को मिला लेंगे। और अब जहाँ से हमने क्रॉस लाइन की थी वहाँ से भी इस तरह से क्रॉस में 1-1 इंच छोड़ के लाइन ड्रॉ करेंगे। और आप देख सकते हैं इसकी लेंथ अभी 13 इंच है, तो 14 इंच तक का, 14 से 15 इंच तक का इस तरह का पेपर हम कट करेंगे। और हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इसको कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। अब ये पेस्ट हो गया, अब इसके ऊपर से स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो पेस्टिंग पेपर के ऊपर से ही हमें किनारे से स्टिच करना है, मतलब पेपर के ऊपर से स्टिच करना है। अब साइड से फोल्ड करके इसके ऊपर एक स्टिचिंग कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से चारों तरफ से फोल्ड कर लेंगे।
अब इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे और अब हमारे नेक का जो सेंटर है उस पर क्रीच लगाएंगे और इसको रॉन्ग साइड करेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें अपनी प्लेकर रॉन्ग साइड से स्टिच करना है तो यहाँ पे सेंटर पे छोटे कट लगाएंगे और इसको नेक के बिल्कुल सेंटर पे इस तरह से अटैच करेंगे और स्टिचिंग करेंगे और यहाँ पे सेंटर पे जो हमने लाइन ड्रॉ की थी तो अपने प्लेकर का सेंटर उस पर मिलाएंगे और उसके बाद यहाँ से मतलब कि पेस्टिंग पेपर के नीचे से किनारे से हम स्टिच करेंगे। अब यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके रिमूव कर देंगे और बीच में कट लगा लेंगे और रॉन्ग साइड से टॉप स्टिचिंग करेंगे। अब इसको राइट साइड फोल्ड करेंगे और आयरन से अच्छी तरह सेट कर लेंगे और यहाँ नेक के पास से प्लेकर को स्टिच करके फिक्स कर लेंगे। और अब प्लेकर के नीचे वाले पार्ट को सेंटर पे फिक्स करेंगे, ये क्रीच है, क्रीच के पास से मार्क करके इसको फिक्स कर देंगे टाचनी से और ऊपर से टॉप स्टिचिंग करके इसको अटैच कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी प्लेकेट फिक्स हो गई है। अब इसके बाद हम फ्रंट और बैक दोनों शोल्डर को जॉइंट करेंगे। अब हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया है, अब हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो पहले इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और नेक की मेज़रमेंट करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो ये लगभग 9 इंच पर आ रहा है, 9 इंच कुछ पॉइंट आ रहा है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग नेक की कटिंग करेंगे। तो हमने 8 इंच लंबा और लगभग 5 से 6 इंच चौड़ा इस तरह का पेस्टिंग पेपर ले लिया है। तो यहाँ पे पहले सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से 3 इंच इसकी हाइट रखते हैं और किनारे से भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब 3.5 इंच पे मार्क करेंगे, जैसे कि हमने नेक की विड्थ रखी थी, तो अब यहाँ से हल्का सा राउंड शेप कर लेंगे। अब एक बार हम यहाँ से अपने जो नेक की चौड़ाई थी उसकी मेज़रमेंट करेंगे, तो 9 इंच पे हमें मार्क करना है, तो हम 9 इंच पे मार्क कर लेंगे। हमें कॉलर की चौड़ाई 1 इंच रखना है, तो हम यहाँ पर 1-1 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। और अब हम इन सभी निशानों को मिला लेंगे और हल्का सा राउंड शेप करते हुए यहाँ तक लेकर आएंगे और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कॉलर की कटिंग हो गई। तो इस कॉलर को हम अपने नेक के पास इस तरह से मिलाएंगे और फिर अगर थोड़ा सा भी ये क्रॉस या टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो यहाँ से एक बार फिर से कट कर लेंगे और इस तरह से कॉलर कटिंग होंगे। अब हम इसको कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे और दोनों पट्टी को इसके अकॉर्डिंग हमने कट कर लिया है और हम बकरम के ऊपर से किनारे के साइड से टॉप स्टिच करेंगे। इस तरह से स्टिच करने से बकरम जो है कपड़े में अच्छी तरह से फिक्स हो जाता है। अब नीचे वाला कपड़ा लेंगे और दोनों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिला लेने के बाद साइड से फिर से स्टिच करेंगे। हमने ये सभी कर्व जगह पे छोटे छोटे कट भी लगा लिए हैं। अब इसको फोल्ड करेंगे और अच्छी तरह से आयरन करके इसको सेट कर लेंगे। और अब इसको फोल्ड करेंगे और सेंटर पे मार्क लगाएंगे
तो रॉन्ग साइड और राइट साइड दोनों साइड मार्क कर लेंगे। इस तरह से हमने मार्क कर लिया सेंटर पे। अब जो हमारी स्टिचिंग वाली जगह है तो इसके किनारे किनारे पे बिल्कुल इस तरह से मार्क करेंगे, क्योंकि इसी से हम बिल्कुल सही तरह से स्टिच कर पाएंगे। तो अब बैक नेक के सेंटर पर कॉलर के सेंटर को मिलाएंगे और टाचनी से इसको अटैच कर लेंगे। और अब साइड से कॉलर को मिलाते हुए रॉन्ग साइड से इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने जो पहले लाइन ड्रॉ की थी कॉलर के ऊपर, उसी लाइन पर से हम स्टिचिंग करेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा कॉलर अच्छी तरह से फिक्स हो गया। अभी इसको राइट साइड फोल्ड करेंगे और बैक नेक के पास से फिर से सेंटर पे मिलाएंगे इसको, और साइड से कपड़े को अंदर अच्छी तरह फोल्ड करेंगे और फिर किनारे से इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारी प्लेकेट और चाइनीज कॉलर बनके रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर हमें लेस को अटैच करना है, मेन काम हमारी लेस का है। तो इस तरह की सीधी लेस को हम अपने कॉलर पे अच्छी तरह से अटैच करेंगे। लेस को किनारे की साइड से अटैच करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको हल्का हल्का हम सिकोड़ते जाएंगे और साइड से ये चेक करते जाएंगे कहाँ पे कितनी लेस हमें सिकोड़ना है। तो अब यहाँ कॉर्नर तक आएंगे। अब आप देख सकते हैं कि कॉर्नर पर आने के बाद इसको फोल्ड करेंगे और फिर प्लेकेट तक लेस को लेकर आएंगे, और साइड साइड से हम थोड़ा थोड़ा सा कपड़े को छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे फिर से बाद में पतली लेस अटैच करना है। तो यहाँ पे आके कॉर्नर पे, प्लेकेट के कॉर्नर पे इस तरह से लेस को फोल्ड करेंगे और इस तरह की तावीज़ बनाएंगे। और फिर से जब कॉलर के पास आएंगे तो दोनों को हमें मिला लेना है, और जिस डायरेक्शन में हमारी ये वाली लेस फोल्ड हुई है उसी डायरेक्शन में हमें ये वाली भी लेस को फोल्ड करना है। और फिर से बहुत ही फिनिशिंग से हमें कॉलर के ऊपर लेस को अटैच करना, और यहाँ पे हमें लेस को इस तरह से हल्का हल्का सिकोड़ते रहना है, क्योंकि जब लेस के किनारे वाली साइड हम अटैच करेंगे, अगर हम इसे सिकेड़ के नहीं लगाएंगे तो ये इसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। अब आप लोग देख सकते हैं एक साइड से लेस तो अटैच हो गई है। अब दूसरी साइड हमें लेस अटैच करने के लिए इस तरह की पतली लेस हमने ली है, और इसको अपनी ऊपर वाली लेस के ऊपर रख करके ही स्टिच करेंगे, और एक बार की स्टिच में ही दोनों लेस को अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारी ये नेक डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। और अब इसके बाद अपनी कुर्ती को दोनों साइड से स्टिच करके बंद कर लेंगे, और अब इसमें अपनी स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स बन के रेडी हो गई है। तो इसको अपने आर्म होल में राउंड स्टिच करके अटैच कर लेंगे,
और ये तीन लेयर हमने पहले से ही कट करके रेडी कर ली थी। ये तीन लेयर 11 इंच चौड़ी और लगभग 42 इंच है, जो हमारे कपड़े का पनाह था उसकी तीन लेयर हमने कट करी है। अब हम अपनी मशीन में गैदरिंग फूट लगाएंगे और इस गैदरिंग फूट के हेल्प से अपने लेयर पे गैदरिंग करेंगे। और हमने अपने तीनों लेयर को पहले ही ज्वाइन कर लिया था और अब किनारे से इस तरह से हम गैदरिंग करेंगे। आप देख रहे हैं कितनी इजी और खूबसूरती से गैदरिंग बन रही है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारी लेयर में गैदरिंग बन गई है। अब अपनी इस लेयर को हम अपने कुर्ते के बॉटम में अटैच करेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं एंड में आके हमारा सिर्फ 2 से 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रह गया था, जिसको हमने कट करके अलग कर दिया है। अब इसको राइट साइड टर्न करेंगे और इसके ऊपर से एक टॉप स्टिचिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग देख सकते हैं हमारी ये कितनी प्यारी सी कुर्ती बन के रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी ये कुर्ती डिज़ाइन ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।